जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्लास 9th की इंग्लिश बुक बिहाइव के अंतर्गत जो प्रथम कविता है, प्रथम पोएम है, ए रोड नॉट टेकन, उसे पढ़ेंगे और उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो देखिए, जो यह कविता है क्या संदेश देना चाहती है, एक तरह से इस कविता का मैसेज क्या है वो पहले जान लीजिए। तो इस कविता का मैसेज है विकल्पों का चयन। जो आपके सामने विकल्प हैं आपके सामने, वो किस प्रकार चयन कर सकते हैं विकल्पों का, उसी के बारे में यह कविता दिखाई गई है। तो देखिए, आप लोग के सामने कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि आपको दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होता है। तो आप उस विकल्प को चुनने से, जो आपका आगे का भविष्य है, आगे में उस विकल्प को चुनने से क्या परिस्थितियाँ आएंगी, वो आपका उस विकल्प के चुनने पर ही निर्भर करता है। किस प्रकार, जैसे कि आप अभी क्लास 9 में हो, फिर आगे क्लास 10th में जाओगे। क्लास 10th में जाने के बाद फिर आप जब 11th में प्रवेश करोगे, यानी कि आप जब 11th में एडमिशन करवाओगे, तो उसके बाद आप लोगों को तीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। आपको साइंस चूज करना है, आर्ट्स चूज करना है, या फिर कॉमर्स चूज करना है। तो उस समय भी आप सभी के पास विकल्प हो गए। विकल्प हर समय हमारे पास उपलब्ध होती है। अभी आप लोग कुछ कर रहे होगे तो मम्मी बोलेगी कि यह काम करो, उस समय भी आप लोग के पास दो विकल्प होंगे कि इस काम को करें या ना करें। आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे होगे तो आपके सामने भी दो विकल्प हैं। आप लोग सोच चाहते हो कि आप लोग इसे पढ़ने के साथ लिखो भी और इसे ना भी लिखो। तो इस विकल्प को चुनने से क्या होगा, आगे जो आपके अगला समय है, आने वाला जो परिस्थिति है, वो आपका इस विकल्प को चुनने से पर ही निर्भर करेगी। ठीक है, तो इसी विकल्प को चुनने के आधार पर यह कविता लिखी गई है, आ रोड नॉट टेकन, दी रोड नॉट टेकन। और इसके जो कवि हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन कवि हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोयम को। दिया गया है, द रोड डाइवर्ज इन एलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। इसमें जो कवि होता है वो एक एलो वुड यानी होता है जंगल, एक जंगल के पास से गुजर रहे होते हैं। तो जब वो जंगल के पास से गुजर रहे होते हैं, तो एक समय बाद वो एक ऐसे मोड़ के पास पहुंचते हैं जहाँ पर जो सड़क है वो डाइवर्ज होते हैं। डाइवर्ज मतलब होता है दो दिशाओं में बट जाते हैं। तो उनके सामने क्या आ गए, दो विकल्प आ गए। जिस प्रकार हमारे सामने विकल्प थे, उसी प्रकार कवि के सामने विकल्प आ जाते हैं। तो दो टू रोड डाइवर्ज इन एलो वुड, और वो दोनों जो सड़क थे वो एलो वुड मतलब होता है, एलो मतलब होता है पीला और वुड मतलब जंगल। वुड को कई बार हम लोग जंगल के तौर पर यूज करते हैं। तो जंगल, पीला जंगल का अर्थ यह ना हुआ कि पूरा जंगल पीला है, पूरा जंगल पीला कब होता है, जब उस जंगल के जो पेड़ हैं उसके में लगी पत्तियां पीली होगी। और पत्तियों का पीले होना का अर्थ है कि वह मौसम शरद ऋतु का होगा। तो शरद ऋतु का मौसम है, जो पेड़ का पत्तियां हैं वो पीली रंग की हो गई है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जंगल पीला कलर का है। ठीक है, पीला रंग का है। तो जब वे उस जंगल के समीप से गुजर रहे होते हैं, तो एक समय बाद ऐसा मोड़ आता है कि दो सड़क डाइवर्ज होते हैं, बट जाते हैं। तो कवि के सामने दो विकल्प आए कि मैं किस सड़क का चयन करूं, मैं इस सड़क से जाऊं या फिर मैं दूसरी सड़क से जाऊं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल फोर्थ। और वह ऐसा भी नहीं कर सकते कि दोनों सड़कों को पर एक साथ चल जाएं। क्यों, क्योंकि वो अकेले हैं। अगर वो पहले सड़क पर जाएंगे तो दूसरे सड़क पर नहीं जा सकते हैं, और दूसरे सड़क पर जाएंगे तो पहले सड़क पर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं, एंड बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड आई लुक डाउन वन एज फेयर एज आई कुड। वो बोलते हैं, क्योंकि मैं वन ट्रेवलर, एक ही ट्रेवलर था, इसीलिए मैंने क्या किया, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फेयर आई कुड। और मैंने वहाँ पे खड़ा होकर उन सड़कों को देखा, उन सड़कों के पास जाके देखा, तो मैंने ऐसा देखा कि वे सड़क काफ़ी दूर तक गए हैं। टू हुज इज बेंट इन द डाउन
इन द अंडरग्रोथ, और फिर आगे जाके वे घने जंगलों में विलुप्त से हो गए, अर्थात वे ज़्यादा दूर तक भी नहीं देख पाते कि जो सड़क है वो कितने दूर तक गए हैं। ये था फर्स्ट स्टेंजा। अब देखिए फर्स्ट स्टेंजा से हम लोगों को क्या सीख मिलती है। देखिए जिस प्रकार कवि के सामने सड़क थे डाइवर्ट हो गए थे, उसी प्रकार हमारे सामने भी विकल्प हैं। कई बार हमारे सामने ऐसे विकल्प होते हैं जो हमें नहीं पता होता है कि वे कितने दूर तक जाएंगे। उनका जो आगे में जब हम उस विकल्प को चयन करेंगे तो उसको चुनने से हम आगे में उसका नाम क्या होगा हम लोगों को पता नहीं होता है। इसी प्रकार कवि को भी पता नहीं था। नेक्स्ट स्टेंजा है देन लुक द नेक्स्ट स्टेंजा है देन टुक द अदर जस्ट ए फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाइम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वाटर वियर दो एज फॉर दैट द पेग पासिंग देयर हैड वर्न देन रियली अबाउट द सेम। अब कवि जो है लंबे समय तक उस सड़क को देखते रहते हैं, और देखने के पश्चात वो देखते हैं कि सही रास्ता कौन है, पहले वाला सही है या फिर दूसरा वाला। उसके बाद वह क्या करते हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और दूसरे रास्ता का चयन करते हैं और क्या करते हैं उस पर चलना शुरू करते हैं। तो उन्हें लगता है कि यह जो रास्ता है वो नया है क्योंकि इस पर ज़्यादा लोग नहीं चले होंगे। अब वो किस प्रकार चयन देखते हैं कि यह रास्ता नया है, क्योंकि वो उस रास्ते पर चलकर देखते हैं कि उसके जो घास हैं यदि रूंधे हुए होंगे यानी उस पर जो पैरों के निशान होंगे तो वह रास्ते पर कोई नहीं चला होगा, और यदि पैरों का निशान नहीं होगा तो उस रास्ते पर कोई नहीं चला होगा, और यदि पैरों का निशान होगा तो उस रास्ते पर कई सारे लोग चले होंगे। तो उन्हें लगा कि दोनों रास्ते समान रूप से अच्छे हैं और उन्होंने एक पर चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो फिर वे बाद में देखते हैं कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, यहाँ पे वांटेड वियर का अर्थ है कि उपयोग नहीं किया गया था, बहुत से लोग इस रास्ते पर नहीं चले थे इसलिए यह रास्ता घास वाला था। ठीक है, तो उसे महसूस हुआ कि यह रास्ता जो भी हम कि दोनों रास्ते क्या हो गए हैं खराब हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले एंड नेक्स्ट अब नेक्स्ट है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप दैट ट्रोडन ब्लैक ओह आई केप्ट दी फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नाउन हाउ वेट लीड्स ऑन टू वे आई डाउट इफ आई स्टूड यूर कम बैक। इसका अर्थ हुआ कि कवि कहते हैं कि उस सुबह में जो मार्ग थे मैंने तो पहले मार्ग का चयन किया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा उन सड़कों को गौर से देखा तो वो सड़क दोनों एक ही थे। उन दोनों जो उन सड़कों पर पड़ते थे उस पर किसी ने कदम नहीं रखा था। ठीक है, नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, यानी वो जो पैरों के द्वारा नहीं रोंदे गए थे। तो उसने क्या किया ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नाउइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउट इफ आई स्टूड इवर कम बैक। तो उन्होंने तय किया कि हर दूसरा रास्ता कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पर जाता है, वह जानता है कि वह अपने पसंद के अनुसार वापस नहीं आ सकता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम एक विकल्प को चुनते हैं और हमें उस विकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, और हमें कभी भी वापस आने और विकल्प को लेने का मौका नहीं मिलेगा। वह जानता है कि वह अपने पसंद के अनुसार वापस नहीं जा सकता, यानी कि यदि वह उस एक सड़क को चुन लिया तो फिर अगली सड़क को नहीं चुन सकता। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे विकल्प होते हैं कि हमें चुनना होता है कि हम दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनें और वह विकल्प से ही आगे बढ़ते रहें। जैसे कि आप
11th में जाओगे तो एक विकल्प चुनोगे जैसे आर्ट्स, तो आर्ट्स लेकर भी आगे आप पढ़ते जाओगे तो आगे फिर जो आप ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें भी आर्ट्स लेना पड़ेगा। आर्ट्स ही करोगे उसमें आप साइंस से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा परिस्थिति हमारे सामने आती है कि यदि हम उस विकल्प को चुनते हैं तो फिर हम चाह कर भी वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो यही कवि के साथ होता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, आई सेल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एज एंड एज हैंस टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई आई टुक दी वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। यानी जो कहते हैं वह कवि कहते हैं कि भविष्य में एक गहरी सांस लेगा, भविष्य में वह एक क्या करेंगे, गहरी सांस लेंगे और कहेंगे कि एक समय पर जीवन में एक वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचे थे जब उनके सामने दो विकल्प थे कि वह पहली सड़क पर यात्रा करते हैं तो दूसरी सड़क को छोड़ना पड़ता और दूसरी सड़क पर यात्रा करते हैं तो पहली सड़क को छोड़ना पड़ता, ठीक है। तो उसके निर्णय का जो वह निर्णय लेंगे वह उसके भविष्य को तय करेगा। इसी तरह हमारे भी भविष्य में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम यह कई बार कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमने कुछ विकल्पों का चयन किया और जो विकल्पों का हमने चयन किया, जो विकल्पों का हमने चुनाव किया, वही विकल्पों से जो हम आज बने हैं वही विकल्पों के चुनाव से ही बने हैं, ठीक है। तो इस कविता का मैसेज यही है कि जब हम विकल्पों का चयन करें तो हमें सावधानी से देखना, सावधान रहना चाहिए, और क्योंकि यह विकल्प ही हमारे जीवन के क्या करते, हमारे जीवन को निर्धारित करते, हमारे जीवन को उसी विकल्प के अनुसार हम अपने आप को ढाल देते हैं, ठीक है। तो बताइए, यह था इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आप सभी को? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली क्लास में।